दोस्तों, वेलकम बैक टू विशूज वर्ल्ड। तो आज है चक्राता की मेरी दूसरे दिन की ट्रिप और आज हम लोग जा रहे हैं मोइला टॉप और बुधेर केव। अभी हम रास्ते में हैं, हमने वही कल वाली स्कूटी जो है हायर की हुई है, स्कूटी से ही जा रहे हैं। रास्ता कैसा है वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और बने रहिएगा। मोइला टॉप जाते समय रोड कहीं कहीं पर खराब है, टूटी हुई है बिल्कुल, कहीं कहीं पर सही है। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल ही रास्ता इतना ख़राब है, स्कूटी तक निकालने की जगह नहीं है। यहाँ से आगे अब थोड़ा ठीक है, बीच बीच में टूटा हुआ है। ये देखिए ट्रैक, हमें वहाँ से जाना है ऐसे। पहाड़ों के तो रास्ते भी कमाल ही होते हैं। तरफ देखिए पहाड़ी पर पूरे सफ़ेद फूलों से पूरा पहाड़ी जो है सफ़ेद सफ़ेद फूलों से लदा हुआ है, पूरे पे सफ़ेद ही सफ़ेद फूल आ रहे हैं। कहीं कहीं जहाँ धूप मिलेगी वहाँ आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जहाँ ऐसा रोड मिलेगा वहाँ आपको ठंडा महसूस होगा। दोनों तरफ से पेड़ों की इतनी घनी छाया है कि ठंडा लग रहा है बहुत। कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, पहाड़ पहाड़, उधर एक गांव लग रहा है जहाँ बहुत सारे घर बने हुए हैं। एकदम मस्त व्यू। नीचे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है शायद, सड़क वगैरह का, और हम पहुंचने वाले हैं उस रास्ते पर जहां से मोइला टॉप के लिए 3.5 किलोमीटर ही रह जाता है। यहां से आगे का रास्ता इतना ख़राब है कि स्कूटी ले जाने में भी डर लग रहा है। धीरे धीरे ले जा रहे हैं बट यहां पत्थरों पर कई बार चढ़ नहीं पा रही, तो मुझे और श्रेय को स्कूटी से उतरना पड़ा है। पैदल चल रहे हम थोड़ा, पर रास्ता वाकई में बहुत ख़राब है ये, और आई थिंक ये 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है जो इसी तरह का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रास्ते पे हमें और कोई नहीं मिला, ये अंकल जी मिले हैं बस। बिल्कुल सुनसान रास्ता है। हाँ, जगह है घूमने की तो आते होंगे लोग, बट अभी हमें कोई नहीं मिला। हाँ, अभी हमें कोई नहीं मिला, बस ये अंकल जी मिले हैं जो अपनी भेड़ और बकरियां चरा रहे हैं। बता रहे हैं रास्ता पूरा ऊपर तक है और ऊपर फिर 2.5 किलोमीटर का। ओके, धन्यवाद अंकल जी। ये रास्ता वाकई में बहुत ख़राब है, ज़्यादा ही ख़राब है। मतलब स्कूटी के टायर इंच पे पत्थरों पे चढ़ भी नहीं पा रहे हैं, पीछे से धक्का लगाना पड़ रहा है मुझे, तब जाके स्कूटी चल रही है। और गाड़ी के लिए तो है ही नहीं, अगर एक साइड से गाड़ी आए और दूसरी से भी आ जाए तो बचने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। कहीं कहीं है थोड़ा सा चौड़ा, लेकिन ज़्यादातर पतला ही है और पत्थर ही पत्थर है। ट्रैकिंग वाला रास्ता है, जैसे ट्रैकिंग का रास्ता होता है। देखते हैं अब जैसा भी है, जाना तो है जब यहाँ तक आए। 3.5 किलोमीटर था, कुछ रास्ता हमने काट लिया है तो थोड़ा बचा होगा, उसके ऊपर तो पैदल का ही रास्ता है। ये पहली गाड़ी है जो हमें मिली है इस रास्ते पर अब तक, मतलब गाड़ियाँ भी यहाँ तक आती हैं, बचती कैसे साइड में पता नहीं। जैसे तैसे करके, कभी उतर के, कभी स्कूटी पे, कभी पैदल करके हम पहुँच गए हैं बुधिर भवन। यहाँ पर पूरा नाम वन विश्राम भवन बुधिर लिखा हुआ है, और गाड़ियाँ भी खड़ी हैं, स्कॉर्पियो वगैरह बड़ी गाड़ियाँ भी आई हैं इसी रास्ते पे। चलिए आगे का नज़ारा देख लेते हैं अब कैसा है। इससे पैदल का रास्ता आगे 2.5 किलोमीटर का, बुधिर मोइला टॉप पैदल मार्ग। यहाँ से ये ट्रैकिंग करके अब जाना होगा पैदल पैदल। देखते हैं रास्ता कैसा है। ये विश्राम भवन है, यहाँ पर सिर्फ एक कुटिया ये बनी हुई है और एक उस तरफ बनी हुई है। ठीक है, मोइला टॉप पैदल ट्रैकिंग मार्ग 2.5 किलोमीटर दूरी। मुख्य आकर्षण वहाँ पर जो है बुधिर प्राकृतिक गुफा है, प्राचीन मंदिर है, प्राकृतिक वाटर फॉल है, देवदार है, केल वनों का दृश्य अवलोकन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से पैदल पैदल। जब आप ऐसे ट्रैक करें तो छोटे छोटे कदम रखें तो ज़्यादा इजीली चढ़ पाएंगे। देखिए उतर के वापस आ रहे हैं, जो लोग हमसे भी पहले गए थे वो उतर के वापस आ रहे हैं। इस तरह से प्लेन भी है जहाँ आप आराम से चल सकते हैं,
बीच बीच में फिर ऊपर नीचे हो जाता है, पत्थर वाला भी आता है और बीच में ये प्लेन भी रास्ता भी आता है। जब आए थे तो ठंड लग रही थी लेकिन ऊपर चढ़ते हुए गर्मी लगने लगी। अब जैकेट्स में श्रेय की भी निकाल दी और मैंने अपनी भी निकाल दी और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा पथरीला रास्ता भी है जो चढ़ना पड़ेगा, और ये पथरीला रास्ता और इस तरफ गहरी खाई, तो ध्यान से चढ़ें एक एक पैर संभाल कर। इसका सबसे लंबा ये लग रहा है उबड़ खाबड़ पत्थरों वाला, इतना लंबा अभी तक कहीं नहीं आया था। और ये एक घंटे में हमने ट्रैक कर लिया है, बच्चे के साथ रुकते रुकते भी एक घंटे में हम लोग पहुँच गए हैं। और यहाँ का नज़ारा कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। और इस तरह टॉप पर मंदिर है, वहाँ तक चलेंगे। देखिए कैसे मस्ती चल रही है, उसको पकड़ के खींच के जा रहे हैं ऊपर, और ऊपर से धक्का दे देंगे। ये दे दिया। मंदिर में दर्शन कर लेते हैं ऊपर, उसके बाद आपको चारों तरफ का नज़ारा दिखाएंगे। देखो देखिए, ये इसकी दूसरी ट्रैकिंग है वैसे जो, पर ये इसकी फर्स्ट ट्रैकिंग ऐसी है जो इसने पूरा 2.5 किलोमीटर जो है खुद चलाया है। हमने इसको गोदी गोदी कहीं नहीं लिया, पहाड़ों में और उस पर उबड़ खाबड़ में जैसे भी है, श्री खुद चढ़ के यहाँ तक मंदिर तक दर्शन करने के लिए आया है। तो बहुत बहादुरी का काम करा आज मेरे बेटे ने। ये आपको मंदिर दिखाई दे रहा है, चलिए अब दर्शन कर लेते हैं वहाँ पर। ये देखिए मंदिर का नज़ारा और चारों तरफ पहाड़ों का नज़ारा, ऑसम। जाओ श्रेय, आप भी टीका लगवा के आओ। जय हो भोलेनाथ। ये शिलगुरी देवता हैं जो ग्रामीणों की, जिसमें पुरानी आस्था है, यहाँ साफ सफाई बनाए रखें। और गुफा का रास्ता किस तरफ, मंदिर में दर्शन हो गए हैं, अब चलिए गुफाओं की तरफ चलते हैं जो नीचे की तरफ बताई हैं पंडित जी ने कि नीचे की तरफ हैं गुफाएं। हाँ, ऊपर टॉप तक गए हुए हैं और वहाँ से नज़ारा कुछ और ही होगा, बट पहले हम गुफाओं में जा रहे हैं दर्शन करने। यहाँ देखिए कितने सारे घोड़े चल रहे हैं, और ये भी किसी ना किसी रास्ते से तो यहाँ आए ही होंगे। क्या मस्त जगह है एकदम। पहुँच गए हैं हम, और गुफा के नाम पर यहाँ पर क्या है वो दिखाती हूँ आपको। ये एक छोटी सी गुफा है यहाँ, ये इसे देखने आते हैं यहाँ पर इतनी दूर ट्रैक करके। मुझे नहीं लगता कि अंदर कोई जाता होगा इसमें। अब गुफा देखने के बाद ऊपर चलते हैं, जहाँ से तालाब दिख रहा था वहाँ चलते हैं। यह है यहाँ का छोटा सा तालाब, पानी तो बिल्कुल गंदा है इसका, जानवर ही पानी पीते होंगे। ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो कोई नहीं था आगे पीछे, लेकिन उसके बाद से लोग आने शुरू हो गए थे। और अब देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है लोगों की, पीछे भी लोग हैं मेरे काफ़ी, और इस तरफ भी काफ़ी लोग जो है एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए इस तरफ भी, घास पे नंगे पैर चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है, ठंडा ठंडा घास लग रहा है। मैंने अपने सैंडल उतार दिए, हील्स उतार दिए, हील्स में मैंने ये ट्रैक किया है पूरा का पूरा, और नंगे पैर चलने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दोपहर का 1 बज गया है, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। अब देखते हैं उतरने में कितना टाइम लगता है, चढ़ने में तो सिर्फ 1 ही घंटा लगा था। गुफाओं की देखिए कितनी तेज आवाज़ आ रही है, यहाँ हवा चलने की, इतने ऊंचे पेड़ है कि हवा चलने की साफ साफ आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है प्लेन जा रहा है। कैसा लगा आपको ऊपर जाके? अच्छा लगा, मज़ा आया। अपने आप चढ़े, अपने आप उतरे आज तो आप, पूरा 1 घंटा हमें उतरने में भी लगा है, और 1 घंटा उतरने में अब हम नीचे पहुँच गए हैं जहाँ से हम स्कूटी लेकर आए थे। जहाँ तक यहीं तक गाड़ियाँ आती हैं, यहीं तक स्कूटी आती है। माइलो टॉप से 10 किलोमीटर आगे पड़ता है काना सर, अब हम वहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं। और यहाँ की रोड तो अच्छी है, कोई इशू नहीं है, मेन रोड है, पक्की है। वहाँ का रास्ता बहुत ही ख़राब था,
स्कूटी और जो है गाड़ी दोनों के लिए ही बहुत बेकार, और इस टाइम पे वहाँ पे इतनी भीड़ हो रखी है, एक एक गाड़ी मोड़नी भारी हो रही है। यहाँ के नज़ारे और यहाँ के रास्ते भी अपने ही हैं, जो अलग ही लुक दे रहे हैं, मज़ेदार है एकदम। स्कूटी पे घूमने का अपना मज़ा है, कहीं भी रुको, कहीं भी उतरो चढ़ो, जैसे मर्जी, जहाँ आपको व्यू पॉइंट मिले वहीं आप अपने फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। जहाँ इस तरह से छाया आती है वहाँ ठंडा हो जाता है, जहाँ धूप लगती है वहाँ गर्म लगता है। कभी तो ऐसा लगता है जैसे हम अकेले ही ट्रैवल कर रहे हैं, रोड पे कुछ भी नहीं है, ना गाड़ियाँ मिलती हैं, ना कोई स्कूटी बाइक, कुछ नहीं मिलता, खाली रोड मिलता है बिल्कुल। और ये हम पहुँच गए हैं कान्हा सर, ये बिल्कुल ऑन रोड है, इसके लिए आपको कहीं अंदर नहीं जाना। ये देखिए काफ़ी लोग हैं यहाँ, बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं, मंदिर भी है एक छोटा सा। पहुंच गए हैं कान्हा सर, 4 बजे हैं अभी, और कान्हा सर में देवदार का सबसे मोटा पेड़ है एशिया का, जिसकी वजह से ये जगह प्रसिद्ध है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना और बड़ा देवदार का वृक्ष है, खत्म ही होने का नाम नहीं लेता शुरू होने के बाद। शंभू शिव महादेव शंभू हर हर शंभू शंभू देव हर हर शंभू। चलिए चलते हैं अंदर, फोटो खिंचाने के लिए अच्छी जगह है, फोटो खिंचाने के लिए मोइला टॉप भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ का सीन अलग है, यहाँ का सीन अलग है। देवदार जो वृक्ष हैं वो वाकई में, वहाँ तो इतनी तेज हवा की आवाज़ आती थी। सामने भी देवदार के वृक्ष हैं, और रोड की अगर उस तरफ देखें तो उस तरफ भी देवदार के बड़े बड़े वृक्ष हैं। यहाँ पर देखिए पहाड़ी डांस चल रहा है, आप कहीं घूमने जाएं और वहाँ का लोकल कल्चर अगर आपको देखने को मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ये चीज आपको जनरली नहीं देखने को मिलती है। तो एंजॉय कीजिए पहाड़ी डांस। ये देखिए चारों तरफ का व्यू, और बहुत ही प्यारा व्यू है इस यहाँ का भी, बड़े बड़े देवदार के पेड़ हैं यहाँ। घोड़ों के साथ आप ऐसे फोटो खिंचा सकते हैं, जैसे देखिए ये खिचड़ी है। दूसरी तरफ भी बहुत मोटे मोटे पेड़ हैं, जो कि एशिया के सबसे पुराने और बड़े हैं, काफ़ी मोटे पेड़ हैं, कई लोग अगर हाथ पकड़ के भी खड़े हों तो कई लोगों के 10-12 लोगों के हाथों में आएंगे ये घूम फिर के, इतने मोटे और बड़े हैं। तो 1 घंटा हम कान्हा सर में रुके हैं, यहाँ पर आप हरे घास के मैदान में घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं, नंगे पैर चल सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चक्राता की 2 मार्केट है, एक नीचे वाली मार्केट है, एक ऊपर मार्केट है। अभी हम जो घूमने आए हैं वो नीचे वाली मार्केट में घूमने आए हैं, कि मार्केट में खाने पीने की सबसे अच्छी दुकान मुझे ये लगी, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है, वेज मोमोज, नॉन वेज मोमोज, मैगी, राजमा चावल, चाय, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। यह है यहाँ की ऊपर की मार्केट।
नीचे की मार्केट में इतना कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर की मार्केट में आपको सामान मिल जाते हैं, जैसे गर्म कपड़े कपड़े खाना पीना सब आपको ऊपर की मार्केट में मिल जाता है। नीचे की मार्केट बहुत छोटी सी है। यहाँ की जो पहाड़ी मिक्स राजमा होती है, साबुत उड़द होती है, कुल्हड़ दाल होती है, वो सब भी आपको यहाँ अवेलेबल हो जाती है। ये मार्केट भी ज्यादा बड़ी नहीं है। गरम कपड़े बच्चों के खिलौने, श्रेय को पसंद आया ये।